नमस्कार सर। तो आप तीन फोर्स तीसरा फोर्स निकाल सकते हैं।
इस प्रमेय से अगर आपको कोण दिया है, कुछ कोण दिए गए हैं, कोण नहीं दिए गए हैं, तो आप कोण निकाल सकते हैं। तो जब सवाल आएगा उस समय आपको पता चल जाएगा कि किस परिस्थिति में हम क्या निकाल सकते हैं। हाँ, अब बताइए कि क्या इसमें समस्या है किसी को? लामीज थ्योरम लगाने में क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है मित्रों? F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। सूरज सर, मेरी तरफ से बताइए, क्लियर किया है मैंने पूरा कंटेंट कि नहीं किया? हाँ सर, हाँ 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 सर, बिल्कुल सर। यस सर, नहीं सर, ओके। हुआ करती है। जी हाँ।
जो एसी वेक्टर है वो इन दोनों का परिणाम है, मतलब जो एसी भुजा की जो लंबाई होगी वो इन दोनों के योग के सदिश योग के बराबर होगी। के योग का त्रिभुज का नियम, सदिश योग के लिए त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत? रिप्लाई करेंगे प्लीज। हां जी सर, एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। आपको बता दूं परिणामी सदिश की यहां पे जो दिशा है वो
हमारे लिए इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो बल के लिए आएंगे, बल के लिए आएंगे या विस्थापन के लिए आएंगे, क्योंकि हमें पूरा वेक्टर नहीं पढ़ना है, हमें पूरा वेक्टर, वो मैथ वाला वेक्टर अलग है मगर ये फिजिक्स वाला वेक्टर है। तो हमारे लिए जब ये क्वेश्चन आएंगे तो ये बल के लिए आएंगे, तो वहाँ पर ये नियम कैसा दिखाई देगा मित्रों? तो वहाँ पर ये नियम हमें ऐसा दिखाई देगा कि परिणामी बल आर का मापांक बराबर पहले बल F1 का मापांक का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस दोनों बलों के बीच का कोण 2F1F2 cos थीटा। मित्रों ये आएगा फॉर्मूला, याद रखिएगा इस तरीके का आएगा। अब आइए देखते हैं परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की दिशा मतलब ये सदिश A है, ये सदिश B है, दोनों के बीच का कोण थीटा है और ये अपना गया परिणामी सदिश। रेड कलर से देखेंगे ये गया अपना परिणामी सदिश मित्रों, जिसका नाम है वेक्टर आर। और वेक्टर आर जो है ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो अल्फा एंगल यदि बना रहा है तो इसका कोण कितना होगा? तो इसे हम टेन अल्फा में ज्ञात करेंगे। तो टेन अल्फा इक्वल टू, इसे आप याद कर लें, बी का मॉड साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी का मॉड कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला जो पेपर आया था 2021 का जो पेपर हुआ था आपका, आई थिंक 2020 का था या 2021 का ही था शायद, हाँ, तो उसमें ये एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन जो है। 2020 में पेपर हुआ था, 21 में शायद पोस्टिंग हुआ था इसका। तो ये क्वेश्चन, इसमें अल्फा सदिश निकालने के लिए एक क्वेश्चन आया था आपके स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स यानी कि गतिकी एवं स्थैतिकी से, एक प्रश्न आया हुआ था आपके पेपर में एग्ज़ाम में इस प्रश्न से। तो परिमाण नोट कर लिया आपने और ये नोट कर लिया। अब आइए हो जाए इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि किस तरीके के सवाल अपने एग्ज़ाम में आते हैं। बड़े बेहतर सवाल एग्ज़ाम में इससे आते हैं, अपने आप में यूनिक कंसेप्ट है, तगड़ा कंसेप्ट है, परेशान करने वाला कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं, तो इसका एक सवाल देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया हमारे पास, अब ये सवाल है देखिए जी, ये सवाल आपके सामने, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको ये और बेहतर दिखाई देगा। क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। भाई बहुत बढ़िया बात है कि दो बल लग रहे हैं और दो बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आर है। तो इसको यदि मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मेरे पास दो बल हैं, एक बल मान लीजिए पी है और एक बल मान लीजिए मेरे पास क्यू है। तो दो बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो आर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब यकीनन दो बल हैं तो उनके बीच का कोई कोण थीटा भी होगा, ये केस नंबर वन है इसका। अब कह रहा है इफ़ आर इज़ डबल्ड एंड क्यू इज़ रिवर्स्ड। अब कह रहा है अगर आर को डबल कर दिया जाए, इफ़ आर इज़ डबल्ड, ओके आर डबल हो जाता है इफ़ क्यू इज़ रिवर्स्ड। अगर क्यू को पीछे की तरफ कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो आर डबल हो जाता है। चलो भाई अच्छी बात है, तो क्यू पहले जो आगे लग रहा था अब वो पीछे हो गया, यस। तो पी तो वही है, पी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो पहले इनके बीच का कोण कितना था? थीटा था। अब नीचे लग गया तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और ऐसा करने पे कह रहा है कि जो आर की वैल्यू आ रही है वो डबल हो जाता है, मतलब नया वाला मैग्नीट्यूड हो जाता है 2R। चलिए नया वाला मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2R। तो अब हमसे कह रहे हैं कि यदि ये सब चीज़ें हैं तो बताइए पी क्यू और आर में सही रिलेशन क्या है हुआ? तो ये हमारे सामने ऑप्शंस दिए हैं, आइए इस सवाल को पहली बार करने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम का सवाल है 2016 का, इस तरीके के सवाल अमूमन आते हैं। तो देखिए पहला केस क्या था इनका भाई साहब, इनकी पहली सिचुएशन जो थी वो ये थी कि दो बलों इनके बीच में पी और क्यू में कोई कोण थीटा है और उसका जो मापांक आ रहा है वो आ रहा है आर, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल रिलेशन लिखता हूँ इस तरीके से,
कि मान लिया मेरे पास एक बल पी है और दूसरा बल क्यू है, तात्कालिक रूप से मुझे पता नहीं इनके बीच का कोण क्या है, मैंने थीटा मान लिया, तो मेरे पास रिजल्टेंट है आर। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। अभी मैंने जो फार्मूला आप लोग को लिखाया था, ध्यान दीजिए, वो फार्मूला यहाँ लिखा है अपन ने, ये वाला फार्मूला। तो फिलहाल बल की जगह यहाँ पे पी है और यहाँ पर क्यू है, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो यदि मैं दोनों पक्षों का वर्क कर दूँ तो दोनों पक्षों का वर्क करने से रूट हट जाएगा, जिंदगी में शांति आ जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा आ गया। मित्रों समीकरण नंबर एक दे दीजिए इसको। चलिए अब क्या कह रहा है इनका, इनका कहना है कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि Q को दोगुना कर दिया जाए तो R दोगुना हो जाता है। पहला केस ये दिया है कि यदि Q को दोगुना कर दें तो R दोगुना हो जाता है। तो ये केस मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको एक बार और मेंशन कर देता हूँ कि Q को अगर मैं 2Q कर दूँ तो P वैसे का वैसे ही है, R कितना हो जाता है 2R हो जाता है, R भी दोगुना हो गया। तो चलिए फिर इसको करते हैं। तो क्या करना है भाई, Q को अपन को 2Q कर दिया और R कर दिया 2R, तो नए केस में P वैसे का वैसे ही है, R हो चुका है 2R और Q हो चुका है 2Q। तो आइए पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में, तो R की जगह 2R, तो 2R का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q का होल स्क्वायर मींस 2Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P, Q दोगुना हो चुका है तो 2Q और कॉस थीटा, तो 2R का स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 पी क्यू कॉस थीटा। समीकरण नंबर दो दे दीजिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, जो हो गया। तीसरी परिस्थिति देखते हैं। तीसरी परिस्थिति ये है कि अगर तीसरी परिस्थिति में प्रश्न में कहा गया है कि अगर Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर से दोगुना हो जाता है, तो Q को विपरीत कर दिया जाए मतलब जो Q है अब ऊपर ना लग करके नीचे लग रहा है, तो ये P है, पहले जो Q ऊपर था अब वो पलट करके विपरीत हो गया है, तो Q ये हो गया है और आपका जो R है वो हो गया है 2R। चलिए बनाते हैं। तो यकीनन ये जो कोण है ये पहले थीटा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला इसमें समीकरण एक में, तो आर स्क्वायर, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा यहाँ पे 2R, क्योंकि 2R का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू को माइनस क्यू कर दिया गया है तो माइनस क्यू का स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर ही आएगा प्लस 4 पी क्यू, तो इस बार अपने पास 4 है, 2 की जगह 2 इस समीकरण में, P की जगह P, Q की जगह Q, क्योंकि सदिश का परिमाण लेते हैं, परिमाण में दिशा नहीं, ये माइनस नहीं आएगा, बस यहाँ पर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, तो जो कोण है हमारे पास थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हमारे पास कोण के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, तो कोण हो गया 180 माइनस थीटा। ये क्या बन गया, 4R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा। सूरज सर क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं हम? हेलो मित्रों बताइए प्लीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉस थीटा नो सर, कॉस 180 माइनस थीटा कैसे आ गया, समझ में आ गया ना आप लोग को? कॉस 180 माइनस थीटा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर का कोण थीटा है, नीचे का 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 हमारे पास तैयार हो चुका है। अब आइए देखिए हमें पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले एक जबरदस्त चीज हमारे पास ये दिखाई दे रही है इसमें कि यदि हम
इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण एक और समीकरण तीन को यदि हम जोड़ दें तो कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है और कुछ नुकसान होता भी दिख रहा है। तो पहले क्या किया जाए, हम समीकरण एक और समीकरण तीन को यदि जोड़ते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। समीकरण नंबर एक और समीकरण तीन को जोड़िए तो देखिए 2PQ cos थीटा ये है और 2PQ cos थीटा माइनस का ये है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो हो जाएंगे। तो उससे हमारे पास एक रिलेशनशिप आसान बन सकती है। तो फर्स्ट लिखिए समीकरण एक धन समीकरण तीन, तो एक और तीन को जोड़ेंगे r² + r² कितना हो जाएगा 5r² इक्वल्स टू p² यहाँ भी है और p² यहाँ भी है तो हो गया ये 2p² और q² यहाँ भी है qp² यहाँ भी है तो ये क्या हो गया 2q² और ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बन गया 5r² इक्वल टू 2p² + 2q², ठीक है। इसको रिलेशन नंबर 4 यूज़ कर लीजिए आप, इसको अपन ने रिलेशन नंबर 4 इस्तेमाल कर लिया है ठीक। अब हमारे पास एक और हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, सोचिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ ज़्यादा रिलेशंस नहीं बनेंगे हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, यदि अब मेरे पास देखिए एक रिलेशन नंबर 3, अभी मैंने किसको सॉल्व किया 1 और 3 को, अब देखो जरा 2 और 3 को गौर से देखो। तो 2 और 3 के पास में यहाँ पर है 4PQ cos थीटा और यहाँ पे है -2PQ cos थीटा। तो 4 और 2PQ cos थीटा इसको गायब करने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डबल कर देता हूँ इस इक्वेशंस को। समीकरण नंबर 3 जो है अगर मैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये थोड़ा मेरे को सपोर्ट करेगा। तो समीकरण 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से मेरे को क्या मिल जाएगा। देखो जी इक्वेशन नंबर 3 में मेरे को 2 मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा मेरे पास 8r² इक्वल टू 2p² + 2q² - 4pq cos थीटा ये मिल गया। अब क्या हो जाएगा, अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को ऐड कर दो तो 2+3 कर दीजिए, तो 2+3 आपने कर दिया तो 2+3 कर दिया तो 4r² और 8r² दोनों जुड़ करके कितना हो गया 12r² इक्वल टू 12r² इक्वल टू है ना 12r² इक्वल्स टू कितना आएगा देखिए जरा 2p² इधर और p² यहाँ आएगा 3p² प्लस यहाँ पर 4p है 4q है और यहाँ पर 2q है तो कितना आएगा 6q² और ये 4pq cos थीटा और -4pq cos थीटा कैंसिल हो गए तो ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में मैं 3 कॉमन अगर ले लूँ, क्योंकि 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेके काट दूँ तो ये बन जाएगा 4r² अभी इसको मत लिखो 5 इक्वल टू p² + 2q² तो इसको लिख सकते हैं हम p² + 2q² - 4r² = 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गया p² + 2q² - 4r² = 0 और एक इक्वेशन मेरे पास कहाँ बना है, ये वाला इधर कहीं बना था, यस ये है 2p² + 2q² = 5r². तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। तो पहला मेरे पास बना है 2p² + 2q² = 5r² ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2p² + 2q² - 5r² = 0 एक काम का इक्वेशन ये हो गया मेरे पास। और दूसरा इक्वेशन जो है, जो मेरे पास दूसरा इक्वेशन बना है
देखिए दोस्तों, वो दूसरा इक्वेशन बना है पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर इक्वल जीरो। पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप देखिए ऑप्शंस हमारे रेशियो में प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास ये था क्वेश्चन, तो पी क्यू एंड आर के इक्वेट वाले ऑप्शंस हैं, मतलब इसको हमको क्रॉस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं क्रॉस मेथड में क्या रूल होता है। देखिए पी स्क्वायर लिख लो एक तरफ, एक तरफ क्यू स्क्वायर लिख लो, एक तरफ आर स्क्वायर लिख लो। इसके कोफिशिएंट है टू टू माइनस फाइव, टू टू माइनस फाइव, और इसके कोफिशिएंट है वन टू माइनस फोर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन टू फोर ज़ा माइनस एंड टू फाइव ज़ा माइनस का टेन, तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस इक्वल्स। हाँ जी, थैंक यू ब्रजेश सर। तो ये हो गया, अगर आप क्यू स्क्वायर की बात करें तो क्यू स्क्वायर आएगा इधर बीच में, और क्यू स्क्वायर का खुद का साइन नेगेटिव भी होता है, वो मैथ सपन जानते हैं। तो अब क्यू स्क्वायर में टू फोर जा माइनस एट एंड वन फाइव जा माइनस फाइव और प्लस फाइव हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए आप आर स्क्वायर में आएगा टू टू जा फोर और वन टू जा टू, ये आया। ओके, सो पी स्क्वायर अपॉन ये दस में से आठ गए, कितना बच गया, दो बच गया। क्यू स्क्वायर आठ में से पाँच माइनस गया तो माइनस तीन, माइनस से माइनस कैंसिल, और आर स्क्वायर इधर क्या बच गया, दो। अपन क्या करते हैं, इसको वैल्यू के लिए k के इक्वल मान लेते हैं। तो p स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, 2k, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2k। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k, सो q इज इक्वल टू अंडर रूट 3k। एंड लास्टली r स्क्वायर इक्वल टू 2k, तो r इक्वल टू होल अंडर रूट टू के। देखिए रूट तीनों में है, ये हो गया। ओके, अब यदि आप यहाँ से देखें, क्योंकि ऑप्शंस में p q r है, तो p के नीचे रूट टू को ले जाइए, तो p अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू q अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू r अपॉन रूट टू, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट k। तो हमको कांस्टेंट पार्ट नहीं पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में केवल वेरिएबल वाला पार्ट पूछा गया है। तो चेक करते हैं, तो p अपॉन रूट टू इक्वल टू q अपॉन रूट थ्री इक्वल टू r अपॉन रूट टू, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब मे बी आप में से लोग सोच सकते हैं कि सर इसमें तो आपने इतना टाइम लगा दिया है, हम कैसे कर पाएंगे। तो केवल मैटर प्रैक्टिस का है मित्रों, एंड आई वेलकम कि कोई मुझे नई मेथड अगर इसकी बता सकता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा मुझे बताए। आप में से किसी को यदि इसकी छोटी मेथड पता हो तो ज़रूर बताइए, मे भी हो सकता है किसी को पता हो, बट मुझे यही मेथड पता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स का तो हमको इसी तरीके से करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, सो आज की क्लास के लिए इतना ही कंप्लीट करेंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के आया, आज पहली क्लास थी। कल से 9 बजे से क्लास कोशिश करेंगे डेली। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छे सर एक्सप्लेन की, क्योंकि ये जो डायनेमिक क्वेश्चन है सर, इससे हम लोग बहुत टाइम से काफी टाइम से अनटच हो चुके हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाले, हम लोगों को बताए कुछ सर, वो भी बहुत अच्छी क्लास लगी। टाइम लेकिन है जो लेगा करेगा, उसके लिए टाइम लेकिन नहीं होगा सर। आदमी सर सर, बहुत अच्छी सर क्लास लगी सर। सर क्लास बहुत अच्छी लगी सर। जी बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा दिए सर, बहुत जबरदस्त। दरअसल सर मैंने आपसे कहा था सर, मैं ये सोच रहा था कि आप ये क्लास YouTube पे लाइव लेंगे ना सर,
इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था, कल से ये और लोग जुड़ेंगे हम लोगों के साथ। कल से सर काफी बच्चे जुड़ेंगे सर, और कल से एक बार से आप इसे करिएगा, आज तो केवल। हाँ जी जी बताइए राजमणि सर। बिल्कुल जी, कल से और सर स्टूडेंट जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आप सभी के साथ मिलकर के, आपने हमारे काम जी जी। और आपको यदि समझ में आया है तो बताइएगा सर, और विद्यार्थियों को उनको भी लाभ मिले, है ना सर। नहीं जी, कल से जुड़ेंगे सब जी जी। जी जी बिल्कुल सर, एग्जैक्ट एकदम सर क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल सर। तो बस सर मैं आपको यही कहूँगा सर, ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया ना सर, ये परिणामी वाला सर, ये सर लेंदी इसलिए लग रहा है सर कि क्योंकि आप समझा रहे हैं अभी चीजों को, आप एक झटके में नहीं लगा रहे हैं, बाकी इसको कुछ इसके सर मिनट एक डेढ़ मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक दो मिनट से जी जी। चलिए सर, तो मेन फार्मूला ये सर आर वाला है ना सर। जी जी जी। चलिए सर, तो फिर आज के लिए आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, प्रणाम सर जी। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट। बताए ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा सर, क्लास के लिए धन्यवाद। बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके सर। हाँ हाँ, थैंक यू अंकित सर, थैंक यू रिचा गुप्ता। ओके सर।